नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बीच में, इसके बारे में। लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेटस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि सेम वेन्यू पर मुकाबले होने वाले हैं और यहाँ पर अभी तक इस टूर्नामेंट के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से एक में 143 और 44 बने थे। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर 176 और 164, फिर 170 और 160, मतलब स्कोर बन रहा है यहां पर। जी हां दोस्तों, स्कोर यहां पर आपके लिए बन रहा है। साथ में टोटल खेले गए 3 मुकाबलों में अभी तक 40 विकेट भी गिरे हैं। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो इसमें 14 विकेट इसमें, 12 विकेट इसमें और 14 इसमें। इनमें से दोस्तों लगभग आपके लिए 60% जो विकेट है ना, वो पेस बॉलर निकाल कर दे रहे हैं, और दोस्तों 60% से ऊपर ही मेरे हिसाब से तो 70 से 75%। जी हां दोस्तों, 70 से 75% पेस बॉलर यहां पर विकेट निकाल कर दे रहे हैं। स्पिनर्स के लिए इतनी मदद नहीं है। हालांकि कल राशिद खान ने यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था। बात करें वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो टोटल 36 मुकाबलों में से दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 17 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 19 मुकाबले विन किए हैं। मेरे हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी वो आपके लिए पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाएगी। और दोस्तों ये स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो मैं आपके लिए कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम यहां पर हेड टू हेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टोटल 12 मुकाबले खेल गए हैं, इसमें इनमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपके लिए 5 मुकाबले विन कर दिए हैं। वहीं बात की जाए क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने आपके लिए 7 मुकाबले विन कर दिए हैं, मतलब क्वेटा का पड़ला कहीं ना कहीं भारी है। यहाँ पर यदि संभावित 11 के बारे में बात की जाए और बैटिंग ऑर्डर लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस्मान ख्वाजा ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे कॉलिन मनरो के साथ। दोनों ने ही पिछले मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं किया, लेकिन बल्लेबाज दोनों ही शानदार हैं और कॉलिन मनरो तो दोस्तों T20 स्पेशलिस्ट भी हैं। उसके अलावा राहिल नाजिर, जिन्हें फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और मात्र 8 रन का स्कोर कर पाए, लेकिन बल्लेबाज काफी टैलेंटेड है, आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा सदाब खान फर्स्ट डाउन बल्लेबाज सेकंड डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, वो 7 रन और 1 विकेट इन्होंने निकाला था दोस्तों। उसके उससे पहले आप देख सकते हो 21 रन 1 विकेट, लेकिन जो 7 रन 1 विकेट है वो इसी वेन्यू पर है। जी हां दोस्तों, मैं जो परफॉर्मेंस बात कर रहा हूं, जो लास्ट परफॉर्मेंस की, वो इसी वेन्यू पर है। इत्तिफाक अहमद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और 12 रन और विकेट इन्हें कोई नहीं मिला। हसन तलत को भी कोई विकेट नहीं मिला, 14 रन बनाए। फहीम अशरफ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, टीम न्यूज इंपोर्टेंट है, फहीम अशरफ आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लास्ट मैच में इन्हें चोट लगी थी लाहौर के खिलाफ, जिस मैच में ये हारे थे, तो उसकी वजह से इनके टाके आए हैं, स्टिचेस आए हैं, तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आफ्टर टॉस अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां आफ्टर टॉस आपके लिए फाइनल टीम विद कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगी। तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फहीम अशरफ नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर आसिफ अली की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। बल्लेबाज काफी शानदार है, लेकिन दोस्तों शुरुआत के इनके करियर की शुरुआत के एक साल में इन्होंने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस कर नहीं दिया है। यदि आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। हसन अली लगातार विकेट निकाल रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि लाइन लेंथ को लेकर काफी एक्यूरेट हैं। देख सकते हो 2 विकेट लास्ट मुकाबले में निकाले, उससे पहले भी 2 विकेट निकाले। मोहम्मद वसीम आपके लिए लास्ट मुकाबले में विकेट इन्होंने नहीं निकाला, लेकिन गेंदबाज आपके लिए अच्छे हैं। उसके अलावा फवाद अहमद को 1 विकेट मिला था, स्पिनर रहते थे दोस्तों ये भी, और ब्रेंडन किंग और मूसा में से यदि कोई खेलेगा यहाँ पर फहीम अशरफ की जगह, तो आपके लिए आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके लिए बॉलिंग ओपन हसन अली और मोहम्मद वसीम करते हुए नजर आ जाएंगे, और दोस्तों इनके साथ यदि ओपन की तो आपके लिए शायद यहाँ पर फवाद अहमद करते हुए नजर आ जाए। हालांकि फवाद अहमद ज्यादातर अपने ओवर दोस्तों मिडिल ओवर्स में फेंकने वाले हैं। उसके अलावा डेथ ओवर में हसन अली फेंकेंगे, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मूसा नहीं खेले, तो इनकी जगह दोस्तों जो खेले थे वो आपके लिए खेलते डेथ ओवर में फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। तो आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस्मान खान ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे फैफ डू प्लेसिस के साथ। फैफ डू प्लेसिस वैसे तो आमतौर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेले गए 4 मुकाबलों में अपने रंग में नहीं दिखे, लेकिन बल्लेबाज शानदार हैं, आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा उस्मान खान देख सकते हो 81 रन 1 मैच में ही बनाए, 1 मैच मात्र इन्होंने खेला है, उसके बाद इन्होंने स्कोर नहीं किया। उसके अलावा बात की जाए कैमरून डेलफोर्ट, जो कि फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए
नजर आ जाएंगे तो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक तो ये फॉर्म में नहीं देखे, शायद इन्हें मौका भी ना मिले। इनकी जगह कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा उसके बारे में अपडेट आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा सरफराज अहमद जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, 250 ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक बार 40 रन स्कोर कर चुके हैं, मतलब अच्छे फॉर्म में हैं। आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हो। उसके अलावा आजम खान आप यहां पर देख सकते हो, 17 रन 4 रन और 47 रन 13 रन और 17 रन आप एज अ फिनिशर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे काफी हेल्दी हैं और शॉट भी अच्छे हेल्दी लगाते हैं, मतलब ताकतवर शॉट लगाते हैं, तो आजम खान को आप ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर इन्हें खेलने का आजम खान को अच्छा खासा अनुभव भी है, तो ग्रैंड लीग में आप इन्हें मिस मत करना, 2 से 3 टीम में जरूर इन्हें ट्राई करना। उसके अलावा आंद्रे रसल जुड़ गए हैं तो खेलते हुए नजर आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। डेथ ओवर में अपनी ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा मोहम्मद नवाज आप देख सकते हो, 20 रन 1 विकेट, 30 रन, विकेट नहीं, इस बल्ले से भले स्कोर किया है लेकिन गेंदबाजी से विकेट नहीं निकाले। हालांकि मेन काम इनका गेंदबाजी करना है लेकिन इन्होंने गेंदबाजी से ही विकेट नहीं निकाले। उसके अलावा जैक मोल्डबर्थ यदि आपके लिए खेलते हैं तो इंपोर्टेंट चॉइस हो जाते हैं, बल्लेबाजी भी क्योंकि ये कर लेते हैं और डेथ ओवर में एक आध ओवर फेंकेंगे, उसके अलावा मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी ये करने वाले हैं। मोहम्मद हसनैन आप देख सकते हो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदबाज भी काफी अच्छे मोहम्मद हसनैन हैं। उस्मान खान सेनवारी ने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो इनकी जगह टीम शायद कोई चेंजेस कर सकती है, क्या चेंजेस करेगी उसके बारे में अपडेट आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा जाहिद महमूद हैं तो महमूद का आप देख सकते हो, दो विकेट इसके पहले इन्होंने विकेट नहीं निकाला, फिर 1 विकेट, तो आप जाहिद महमूद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो इनकी तरफ से डेथ ओवर बॉलर और ओपनर बॉलर हम देख लेते हैं, तो ओपनर बॉलर मोहम्मद हसनैन, जाहिद महमूद और उस्मान खान सेनवारी, जबकि डेथ ओवर आंद्रे रसेल और मोहम्मद हसनैन। एक आधा ओवर करेंगे तो उस्मान खान सेनवारी भी कर सकते हैं डेथ ओवर में। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आपके लिए सरफराज अहमद, राहिल नाजिर और आजम खान, इनकी बैटिंग ऑर्डर मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं बता देता हूं। ए नंबर 5 पर करेंगे, ए नंबर फर्स्ट राउंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और ए नंबर 4 पर करेंगे। दोस्तों इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, आजम खान को जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, फिलहाल की स्थिति में इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में, बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में बात करें तो फैफ डू प्लेसिस, कॉरेन मुनरो, उस्मान ख्वाजा तीनों ही शानदार ऑप्शन है, आप इन तीनों को ट्राई कर सकते हो या दोस्तों आप थोड़ा सा यहां पर चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में तो आपके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस करना ही पड़ेगा तभी आप ग्रैंड लीग जीतोगे। फिलहाल की स्थिति में इन तीनों को अपनी टीम में यहां पर ट्राई कर रहा हूं, जैसा कि आपको पता है कि तीनों सभी के सभी ओपन करने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप इनकी जगह उस्मान खान को ट्राई करना चाहते हो तो आप इन्हें ट्राई अपनी टीम में कर सकते हो। बाद बाकी कैमरून डेलफोर्ड भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, शायद 1 से 2 ओवर आपके लिए गेंदबाजी का भी कर दे सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में तो हम इन तीनों को ही अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं, बाद बाकी आपके पास अच्छे ऑप्शन है मैंने बता दिया है, आसिफ अली हैं, उस्मान खान है, कैमरून डेलफोर्ड है, आप इनको दोस्तों चेंजेस कर सकते हो अपने दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में फहीम अशरफ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, आप देख सकते हो 83% लोगों ने इन्हें ट्राई कर रखा है, यदि आप उनमें से हो एक हो तो इन्हें रिमूव कर देना है और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना है तो दोस्तों वो भी अपनी टीम से रिमूव कर दे। मैं इसका आपके लिए प्रूफ दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने ट्विटर पर इंजरी अपडेट दे दी थी ट्वीट कर, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो तो बिल्कुल आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आप भी दोस्तों क्या बेस्ट विशेस कर रहे हो फहीम अशरफ के लिए कमेंट कर हमें वीडियो पर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आंद्रे रसल को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा और सदाफ खान को, इन दोनों को फिलहाल की स्थिति में अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं। अब बात करते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन के बारे में, बॉलिंग सेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो हसन अली, मोहम्मद हसनैन और जाहिद महमूद आपके लिए तीनों ही इंपोर्टेंट गेंदबाज हो जाते हैं और ज्यादातर अपने लगभग 50 से 60% ओवर डेथ ओवर में करने वाले हैं। जी हां दोस्तों 60% से ऊपर ही लगभग डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे अपनी। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो आप यहां पर फवाद अहमद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, कल क्योंकि राशिद खान ने ठीक ठाक गेंदबाजी
की थी। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पर उस्मान खान सेनवारी हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अनवर अली गेंदबाज अच्छे हैं लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अच्छे ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास 8.5 कैडेट बचे हैं। अब 8.5 कैडेट में आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज लेना चाहोगे या ऑलराउंडर लेना चाहोगे, क्योंकि नवाज को तो हम ट्राई नहीं कर पा रहे कैडेट इशू के चलते। कैडेट इशू या यदि आप फेस नहीं करना चाहते हो तो आप माई फेवरेट में ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है। जैसे ही आप कोड डालोगे हमारी तरफ से आपके लिए ₹50 का कैश बोनस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ₹50 का कैश बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उस्मान खान को ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करने वाले हैं। कैमरून डेलपोर्ट को कैडेट इशू की वजह से फेस मैं ट्राई नहीं कर पा रहा, कैडेट इशू फेस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आपके पास यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस, आंद्रे रसल दो ऑप्शन बेस्ट हैं। इनके अलावा सदाब खान को अपना एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। दोस्तों उस्मान ख्वाजा और कालिन मनरो पर हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ओवरसीज प्लेयर हैं, ये आबू धाबी एशियाई में आती है तो दोस्तों इतनी अच्छी बल्लेबाजी एशिया में कर नहीं पाते, बाद बाकी बल्लेबाजी कर जाएं वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये तीन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं, आप इनमें से अपना कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। और चौथा सरफराज अहमद, और आपके लिए फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।